भाई घर आए मेहमान की बंदा थोड़ी इज्जत ही कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से हो गए। तो यार आज का मैच बहुत ही आला किस्म का हुआ है। क्या बैटिंग की है इंडिया ने, और पर्सनली मैंने इस बैटिंग को बहुत ही इंजॉय किया। रोहित शर्मा जो कि हमारे कोच साहब हैं, सही कहते थे वो, अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो उनको बताऊंगा बैटिंग कैसे करते हैं। भाई मार मार के छक्के क्रिस गेल के रिकॉर्ड से ऊपर निकल गए हैं और मोस्ट सिक्सेस हो गए हैं उसके। और रोहित शर्मा ने 131 स्कोर मारा है भाई साहब, वो भी चंद एक बॉलों में मारा है। और क्या उसने बैटिंग की है भाई, हर ओवर में तकरीबन उसने छक्के मारे हैं और बहुत ही आला खेला है। बॉल उसकी बहुत अच्छे तरीके से मिडल हो रही थी। मैं तो परेशान हूँ हमारी टीम के साथ, वो क्या करेगा इस बार। तो हमारे पास नसीम शाह भी नहीं है जो थोड़ा कंट्रोल कर लेगा, हाँ भाई आगे स्वाद। और हमारी टीम के साथ बहुत बुरी होने वाली है आगे। अल्लाह खैर करेगा कि क्या होगा क्या नहीं। बाकी 55 स्कोर विराट कोहली ने मारा। मैं तो इनकी राइवलरी देखने के लिए काफ़ी बेताब था, नवीन उल हक की और विराट कोहली की, लेकिन वहाँ पे जफियाँ और पपियाँ हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम तो हल्की फुल्की राइवलरी हो तो मज़ा आता है क्रिकेट देखने का। ग्राउंड के बाहर बेशक आप दोस्त हो या जो मर्जी हो, तो यही हम पाकिस्तानी टीम को भी कहते हैं कि ग्राउंड के अंदर हमें थोड़ा जीतने का इंटेंट शो कराओ, कि अगली टीम को बताओगे हम इधर जीतने आए हैं, जो कि इंडिया शो करता है। और इंडिया में जो इशी किशी है, ईशान किशन, उसने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। अनफॉर्चुनेटली उसकी 50 नहीं हो पाई, लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की है उसने। रोहित शर्मा का पूरा साथ दिया है और एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने अपना रन रेट काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। और टॉप फोर में तो आने की उनके रास्ते वैसे ही आसान, बहुत आसान हो गए हैं। अब आगे जो मैच है, उम्मीद करते हैं हमें बहुत अच्छा देखने को मिले। और इंडियन क्राउड यार हाउसफुल था, और स्टेडियम नारों से गूंज रहा था, और आधी टीम तो यहाँ से ही अंडर प्रेशर हो जाती है। खैर अफगानिस्तान की भी फुल पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बाई रहेगी। बाकी सारी टीमों से तो वो हंसते हंसते हार जाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ वो सर से लेके पांव तक का जोर लगाते हैं और इस तरह एग्रेसिव होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी टीम्स के खिलाफ, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। तो खैर अल्लाह बेहतर जाने उनको क्या होता है क्या नहीं। बाकी हमने बहुत इंजॉय किया आज रोहित शर्मा की बैटिंग को। द जायंट हिटमैन, थम्स अप। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।